iOS 16 इज फाइनली आउट एंड आप सबने तो अपडेट कर ही लिया होगा, बट क्या आप बैटरी ड्रेन इशू फेस कर रहे हो? इफ यस तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपके साथ कुछ फिक्सेस शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज मी अनिरुद्ध एंड यू आर वॉचिंग iGeeks Blog हिंदी। ये जो iOS 16 का स्टेबल अपडेट है, इनिशियल अपडेट है, इस वजह से थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं। फ्यूचर में जाके एप्पल जो है और अपडेट्स पुश करके इन सबको सॉल्व कर देगा, बट तब तक के लिए आप जो है कुछ फिक्सेस को ट्राई कर सकते हैं अपने आईफोन में, ताकि आपके आईफोन का बैटरी बैकअप और ज्यादा बेटर हो जाए। द वेरी फर्स्ट फ्यू बेसिक थिंग जो कि आप कर सकते हो, वाईफाई एंड ब्लूटूथ को टर्न ऑफ कर लेना अगर वो यूज में नहीं है, एंड डू दिस फ्रॉम सेटिंग्स ऐप। जब आप जो है मोशन को रिड्यूस कर ले, इसके लिए आप जो है आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, एक्सेसिबिलिटी, फिर मोशन, टॉगल ऑन रिड्यूस मोशन। इसे टॉगल ऑन कर लेने से आपके आईफोन में जितने भी ट्रांजिशन है उसके बीच में जितना भी स्मूथनेस है वो सब कुछ यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, एंड ये जो है इन जनरल काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम भी करती है। ऐसे रेस टू वेक फीचर को भी टर्न ऑफ कर ले, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। पहले अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, एंड यहाँ से टर्न ऑफ कर लीजिए रेस टू वेक। नेक्स्ट फिक्स है जिसमें आप आईफोन में लोकेशन सर्विसेज को लिमिट कर दीजिए, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है जब भी ये टर्न ऑन रहता है। ऑल यू नीड टू डू इज अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाइए, फिर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन इनसाइड द लोकेशन सर्विसेस टर्न ऑफ कर दीजिए ये सेटिंग को। ऑल्सो आप जो इतने सारे एप्स यूज कर रहे हो ये बैकग्राउंड में रिफ्रेश होता रहता है, जो कि काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो इसे भी हम लिमिट कर लेते हैं। अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाओ, फिर जनरल, फिर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशेस, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑफ को। अब इतने सारे ऐप्स यूज कर रहे हो तो नोटिफिकेशंस तो आएंगे, एंड नोटिफिकेशंस का आना मतलब बैटरी भी कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है, एंड जितने भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट ऐप्स है उनके नोटिफिकेशंस को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। आईफोन के सेटिंग्स में जाओ, फिर नोटिफिकेशन, फिर गो टू दैट ऐप जिसको आप डिसेबल करना चाहते हो, अलाउ नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर ले। वैसे अगर आप कोई थर्ड पार्टी विजेट यूज कर रहे हो या फिर डिफॉल्ट विजेट्स भी यूज कर रहे हो अपने आईफोन में, तो ये भी बैटरी कंज्यूम करती है। अगर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो आप इन्हें भी हटा सकते हो फ्रॉम द स्क्रीन, ताकि ये जो है बैटरी कंज्यूम इन जनरल ना करे। ऑल्सो आप जो है डार्क मोड को भी टर्न ऑन कर लीजिए, अगर आपके आईफोन में एमोलेड स्क्रीन है तो बैटरी कंजप्शन काफी ज्यादा कम होगी इन डार्क मोड, अगर डार्क डिस्प्ले है तो, क्योंकि व्हाइट डिस्प्ले काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। एंड साथ ही साथ लो पावर मोड को भी टर्न ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बैटरी सेव अप करेगी अगर आप इसको आइडियल कंडीशन में रखते हो। एंड लास्टली आप जो है डेफिनेटली अपने आईफोन को एक बार रिस्टार्ट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर कोई टेम्प्ररी इश्यूज होते हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर ये सारे टिप्स आपने फॉलो कर लिए एंड स्टिल आपके जो आईफोन का बैटरी बैकअप है वो नहीं बेटर होता है, तो आप जो है कुछ टाइम वेट कर सकते हो अंटिल अनलेस एप्पल जो है एक और अपडेट पुश करे। आफ्टर दैट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आईफोन का बैटरी बैकअप है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा इस वीडियो में तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ ही साथ नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे एक फ्रेश वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बारे में। तब तक के लिए दिस इज मी अनिरुद्ध एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।